फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए अभिषेक राज को और बेल आइकन को भी प्रेस। तो मैं अभिषेक राज स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी आई हुई है जो कि ITI डिप्लोमा के लिए है, ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए है। इसका तैयारी करना चाहते हैं आप तो आप मेरे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, पटना में है, मात्र 3000 रुपये में इसका हम तैयारी करवा देंगे। इसी का नहीं पूरे PSU का, जितने 400 PSU इंडिया में, फिर दोबारा आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार अगर मेरे कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे आप तो मात्र 3 महीने के अंदर हम लोग इस तरीके से पढ़ाते हैं कि दोबारा केवल हम लोग आपको नोट्स और सिलेबस प्रोवाइड कर देंगे कंपनी का, आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। इस तरीके से मेरे पास वो टीम मौजूद है जो आप लोगों को हर तरीके से गाइडलाइन देगा। और सेट प्रैक्टिस के लिए हर सैटरडे संडे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सेट प्रैक्टिस करवाते हैं, जिसके तहत एक तैयारी में और थोड़ा सा इंक्रीजिंग हो जाता है। तो आप मेरा कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं पटना में। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा ट्रेनी सिविल और जूनियर ऑफिसर ट्रेनी HR, जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल और बहुत सारे पोस्ट है इसमें। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको आना होगा, इसका गूगल में डालना होगा www.powergridindia.com। इसके बाद ये खुलेगा पेज और इसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड लिंक पर क्लिक करना होगा। इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक एक्सटर्नल लिंक खुलेगा जिससे ये खुल गया। इसके बाद यहाँ पे इसका पूरा डिटेल्स आपको दिख रहा है। तो पहला इसका डिटेल्स में ये है कि जो ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का है वो 12/9 से शुरू है, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगा। मतलब 12 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। और इसके बाद इसका जो फी देना है, फी का डेट लास्ट डेट है 4 अक्टूबर। और इसमें डिटेल्स के लिए बात करें तो आपको यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन पेमेंट भी करना है इसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका नोटिस, नोटिस में क्या क्या है। तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका नोटिस डाउनलोड हो जाएगा। और ये जब डाउनलोड होगा, डाउनलोड हो रहा है अभी, डाउनलोड होने के बाद इसके टर्म कंडीशन को हम पढ़ लेंगे और उसमें हो जाएगा। यहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। यहाँ दिया हुआ स्टार्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे आई एग्री और यहाँ पे करेंगे स्टार्ट। इसके बाद आपका पेज खुल जाएगा न्यू, जहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म खुल गया है अभी। तो चलिए इसका फॉर्म देने से पहले उसको हम दिखा देते हैं आपको। ये जो खुल रहा है वेबसाइट के बारे में बताते हैं। देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में कुछ लिखा हुआ है और इसको क्लोज करेंगे और यहाँ से फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। देखिए यहाँ से फॉर्म भरना है, सेलेक्ट करना है किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप। तो मान लीजिए कि आप ITI की हैं, ITI के लिए कर रहे हैं, तो आपको सिंपली इसमें देना होगा ऑप्शन में जो दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन के इलेक्ट्रिकल का कर देंगे। और पोस्ट कितना है 204 दिखा रहा है और कैंडिडेट का नाम इस तरह से इंटर करने के बाद ये ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ से रजिस्टर कर देंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको फिर से डाल के लॉगिन करके इसके नेक्स्ट प्रोसीजर को करेंगे। चलिए इसके जो इसका नोटिस है एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो पहला ये है कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में ये वैकेंसी आई हुई है और यहाँ पर जो डिटेल्स में देख रहे हैं तो सीट की बात करें तो यहाँ पर सीट दिखा रहा है। डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए 25 सीट है और डिप्लोमा ट्रेनी सिविल के लिए 5 है और जूनियर ऑफिसर ट्रेनी HR के लिए 3 है और जूनियर टेक्नीशियन जो कि ITI के लिए 25 है। और इसमें लिख रहा है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी है कम या ज़्यादा हो सकता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या सीट जो सीट की रिक्वायरमेंट के अनुसार सीट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं ये लोग। एज की बात करें इसमें तो अपर एज लिमिट है 27 साल जो सबके लिए है और एज में छूट मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल है उसके अनुसार SC ST हैं तो 5 साल और OBC के लिए 2 से 3 साल मिल सकता है। हैंडीकैप के लिए भी 5 साल दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए आपको डिप्लोमा पास होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। और नेक्स्ट सिविल के लिए भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए सिविल ट्रेड से, सिविल ब्रांच से, जिसका मार्क्स 70% होना चाहिए। सबके लिए 70% कंपलसरी है, इससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग HR के लिए आपको 2 ईयर्स फुल टाइम PG डिप्लोमा पर्सनल मैनेजमेंट कोर्स होना चाहिए आपके पास, तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और उसमें 55% मार्क्स होना चाहिए। और टेक्नीशियन के लिए है
इसमें आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से 2 साल का कोर्स होना चाहिए। 2 साल का इलेक्ट्रीशियन का कोर्स होता ही है और इसके बाद ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपका एज अगर जनरल है तो 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओबीसी हैं तो उसमें छूट मिलेगा, और एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी जाएगी एज में। और इसके बाद आप देखेंगे सिलेक्शन के लिए, तो क्या सिलेक्शन मोड क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए कंप्यूटर सीबीटी होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 100% वेटेज रहेगा आपका ये टेस्ट का, बाकी में भी हर चीज़ में 100 दिखा रहा है। और इसका पेपर कैसे रहेगा इसके बारे में यहाँ जिक्र किया हुआ है। देखिए तो Part 1 कंसिस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट हैविंग 120 क्वेश्चंस, 120 क्वेश्चंस रहेंगे, और जो आपके ट्रेड ब्रांच से रहेंगे। इसके बाद Part 2 में रहेगा एप्टीट्यूड रीजनिंग, और आपका जो ब्रांच है उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग शामिल रहेंगे। इसको डाउनलोड करके आप अच्छे से समझ लेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं अगर डिटेल्स में बताना शुरू कर दूँ तो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ ओनली। और सैलरी की बात करें तो एग्रीमेंट आपका जो सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है वो 5 लाख से 2.5 लाख है एससी एसटी के लिए, और 5 लाख है जनरल ओबीसी के लिए डिप्लोमा के लिए, और जो टेक्नीशियन है उनके लिए 2.5 लाख से लेके 12,000 तक, 2.5 लाख है जनरल ओबीसी के लिए और 12,000 एससी एसटी के लिए। और जो एग्जाम सेंटर है वो कोलकाता, सिलीगुड़ी, भुवनेश्वर और कटक रहेगा। ये 3 सिटी में ही, 4 सिटी में ओनली एग्जाम सेंटर दिया जाएगा आपका। और इसमें स्टाइपेंस की बात करें तो जो डिप्लोमा वाले हैं उनको 16,500 पर मंथ ट्रेनिंग टाइम में दिया जाएगा, और ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद उनको सैलरी 16,000 से लेकर 35,500 के बीच में रहेगा। और जो टेक्नीशियन का है उसका सैलरी ट्रेनिंग के टाइम में 11,500 रहेगा पर मंथ, और इसके बाद उसको 11,500 से लेकर 26,000 तक उसकी सैलरी मिलेगी। और इसका तैयारी करने के लिए आप इसका सिलेबस में दिया हो जिससे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी के लिए डिप्लोमा के लिए 300 है और आईटीआई टेक्नीशियन के लिए 200 रुपया है। और इसमें अप्लाई कैसे करना है उसके लिए आपको मैं बता दिया हूँ, वहाँ ऑनलाइन जाना है और वहाँ पर सबमिट करके रजिस्टर करना है। सबसे पहले ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड भी होना चाहिए, तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और Stage 1 में रजिस्ट्रेशन होगा, Stage 2 में आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, और Stage 3 में आपका पैसा डिपॉजिट करना है, वो SBI या ऑनलाइन डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किस क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट डेट है जो मैं आपको बता दिया हूँ वो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 12 से, जो 12 सितंबर से, और ऑनलाइन क्लोजिंग डेट है 2 अक्टूबर, पेमेंट करने का डेट है 10 अक्टूबर, और कट ऑफ डेट जो अपर एज लिमिट का है वो 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर तक आपको 27 से कम होना चाहिए। इसके बाद आपको जाकर फॉर्म अप्लाई करना है। चलिए आज के लिए इतना था, थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे फेसबुक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाइए, वहाँ पे 4,000 से ज़्यादा बच्चे जो आपस में डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, इस कंपनी का भी मैं लिंक दे दूँगा जहाँ से आप इसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे आपसे नए जॉब के साथ।